हेलो गाइस, अपना मल्टी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को सरस्वती जी का मूर्ति गाज के अंदर बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीका से गाज बना रहे हैं। तो एक बड़ा सा मिट्टी ले लिए, इसमें और भी सारे मिट्टी जोड़ेंगे। तो बीच में से खोखला बनाएंगे, तो देखिए पहले से स्टार्टिंग से इसमें गैप करके बना रहे हैं, मतलब सरस्वती माता का के लिए खोखला टाइप का गाछ बनाएंगे, उसी के अंदर सरस्वती माता का मूर्ति बैठाएंगे। तो मिट्टी का छोटा छोटा करके धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं ऊपर से। तो अब साइड से डिजाइन करते हुए बनाएंगे, उभरा उभरा टाइप का बनाएंगे। तो इसी तरीका से मोटा मोटा करके मिट्टी जोड़ देंगे और भी बहुत सारे। मोटा सा मिट्टी का करके इस तरीके से जोड़ रहे हैं। अब ऊपर से थोड़ा गाछ के हाइट को ऊंचा कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा मिट्टी करके धीरे धीरे करके पहले डिजाइन करते हुए आगे का डिजाइन करते हुए बना रहे हैं मिट्टी को, और उसके बाद फिर पीछे से मिट्टी भर देंगे। तो इस तरीके से मिट्टी को भर दिए, तो ऊपर से गाछ कटा हुआ रहेगा, इस टाइप से मूर्ति बना रहे हैं। तो ऊपर से पूरा बराबर कर देंगे। तो कर्ची की मदद से प्लेन कर रहे हैं। ये कर्ची बांस का बना हुआ, यानी बम्बू स्टिक का बना हुआ है। अब टूल की मदद से थोड़ा इसमें खुदरा खुदरा डिजाइन कर रहे हैं। तो ये टूल मेकिंग वीडियो मेरा चैनल अपना मल्टी चैनल पर अपलोड है, और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसे ब्रश से पेंट कर देंगे। अब टूल की मदद से कर्ची की मदद से देखिए गाज में डिजाइन करने के लिए लगा रहे हैं, मतलब मिट्टी को काच रहे हैं। तो टूल की मदद से काच रहे हैं इसमें, और इसके बाद इसे थोड़ा बम्बू स्टिक से थोड़ा छुरी से कोई जिससे अलग करके, और उसके बाद धीरे धीरे गाछ में चिपका देंगे थोड़ा पीछे गीला करके। और देखिए किस तरीके से गाछ में चिपका रहे हैं। तो इसी तरीके से सारा करके छोटा छोटा करके चिपका देंगे। तो इसमें एक सलगी नहीं चिपका रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का जो कटिंग जिस हिसाब से निकल रहा है उस हिसाब से चिपका रहे हैं। बड़ा कटिंग निकल रहा है तो बड़ा चिपका रहे हैं। तो देखिए फिर से दिखा रहा है, बम्बू स्टिक से इसको काच रहे हैं, मिट्टी को हल्का लगा करके छांट रहे हैं, उसके बाद फिर इसे अलग करके गाछ में चिपकाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है गाछ का डिजाइन करने के लिए, और बहुत ही यूनिक बहुत ही लाजवाब लगेगा देखने में गाछ का डिजाइन। ये नेचुरल लगेगा देखने में कि हाँ ये सचमुच का गाछ है। अब ऊपर से मिट्टी का एक गोल ऐसा चिपका देंगे, उसके बाद ये उंगली की मदद से इसमें डिजाइन करेंगे। तो ये उंगली की मदद से डिजाइन कर दिए। अब सरस्वती माता का मूर्ति बनाने के लिए बाहर से ये मूर्ति बनाएंगे, अंदर से नहीं बनाएंगे। तो पहले बाहर में एक गोला सा मिट्टी का बेस ले लेते हैं, और सरस्वती माता का पैर इस पे लगाएंगे। तो देखिए पैर को किस तरीके से बना रहे हैं। तो गोल ऐसा लंबा से मोटा करके बेल करके इसको मोड़ करके पैर का डिजाइन कर रहे हैं। तो पैर सिंपल से रख करके फिर उसके बाद साड़ी के लिए मिट्टी चिपकाएंगे। तो एक पैर को पहले कंप्लीट करके फिर दूसरा पैर बनाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए दूसरा पैर के लिए थोड़ा मिट्टी लगा करके फिर दूसरा पैर रख करके फिर इसे भी डिजाइन कर देंगे। तो इसके ऊपर भी मिट्टी लगा देंगे साड़ी के डिजाइन के लिए।
अब साड़ी के लिए मिट्टी लगा रहे हैं सिंपल से। तो कर्ची की मदद से साड़ी का डिजाइन कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो ये साड़ी का डिजाइन पूरा नहीं करेंगे क्योंकि फेस लगाने के बाद फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा आधा ही कर रहे हैं, साड़ी का डिजाइन पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर हाथ बनाएंगे, फिर ब्रश से पेंट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर बीना के लिए देखिए एक स्टिक लगा करके उसके बाद बीना का डिजाइन कर रहे हैं मिट्टी लगा करके। तो बीना रख करके फिर हाथ बनाएंगे अलग से, तो छोटा सा बीना बना करके हाथ बना रहे हैं और फिर दूसरा हाथ बना दिए सिंपल से। तो हाथ भी उसी तरीके से बनाए मिट्टी का बेल करके, और ये फेस बना रहे तो फेस का एक छोटा सा बेस बना करके, फिर बाल का डिजाइन करके, फिर आईब्रो के पास डिजाइन करके, और नाक के आँख के पास से मिट्टी को साइड करके नाक का डिजाइन कर दिए, फिर आँख का डिजाइन कर रहे हैं सिंपल से, और फिर आईब्रो का डिजाइन कर रहे हैं, और ये होंठ का डिजाइन कर रहे हैं सिंपल से। तो आप लोग भी इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से फेस बना सकते हैं। और स्टिक लगा करके गले में मिट्टी लगा करके फेस को जोड़ रहे हैं, फेस को थोड़ा टेढ़ा कर दिए। अब छोटा सा नॉर्मल से बाल का डिजाइन करेंगे, ज़्यादा कुछ खास बाल का डिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि सरस्वती माता का मूर्ति गाछ के अंदर बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मूर्ति। तो देखिए एक साइड से बाल का डिजाइन कर रहे हैं और पीछे से खोपे का डिजाइन कर रहे हैं बाल का। तो टूल की मदद से बाल का डिजाइन कर देंगे नॉर्मल से, और ये हाथ भी बना दिए और दूसरा हाथ भी बना देंगे उसी तरीके से। तो ये मूर्ति लगभग में कंप्लीट हो चुका है चूड़ी का डिजाइन करके, और उसके बाद इस वीडियो में आप लोग को कलर करके दिखाएंगे। और ये पीछे में हंस बना रहे हैं गाज के ऊपर रहेगा, तो पंखी छोटा सा नॉर्मल से जोड़ देंगे दोनों साइड से। तो ये मिट्टी का काम कंप्लीट हो चुका, आप लोग को कलर करके दिखाएंगे। तो कलर करने के लिए फैब्रिक कलर यूज कर रहे हैं, तो हल्का हल्का इसमें ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं शेडिंग करते हुए। अब ऊपर से इसमें रेड ब्लैक और हल्का सा व्हाइट कलर मिला करके गाज को पेंट करेंगे। तो गाज को शाइनिंग पेंट नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, नेचुरल लगना चाहिए, जिसके लिए इसमें थोड़ा सा इसमें डोम्स कलर मिलाए हैं। तो इसमें ऊपर से पीला कलर यूज कर रहे हैं फैब्रिक का।
और इसमें ऑरेंज कलर से बड़े से हल्का हल्का करके राउंड करके इसमें डिजाइन कर रहे हैं गाच लकड़ी का। और सरस्वती जी का साड़ी को वाइट कलर से पेंट कर रहे हैं और इसमें हल्का सा रेड कलर से सेटिंग कर देंगे, हल्का हल्का करके रेड कलर से सेटिंग कर देंगे। और इसमें गोल्डन कलर यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कलर करके नहीं दिखाएं क्योंकि गाज के अंदर था तो कलर करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखाएं कलर करते हुए। तो और भी ऐसे इस तरीके का वीडियो देखने के लिए अमित मूर्ति टैलेंट को सब्सक्राइब करें। अमित मूर्ति टैलेंट पे हम बहुत सारे वीडियो लॉन्ग अपलोड करते हैं और स्लो मोशन में वीडियो रहता है वहाँ पे। तो मूर्ति बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग को ये गाज वाली मूर्ति कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो अभी तक अमित मूर्ति टैलेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अमित मूर्ति टैलेंट को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एनी आर्ट्स वैशाली को भी सब्सक्राइब करें।